समाजशास्त्र की क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। मायसेल्फ अशोक कुमार, सहचार्य समाजशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। समाजशास्त्र सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। आज का अपना विषय है सीमावर्ती समुदाय के कुछ उदाहरण तथा समाज और समुदाय में अंतर। ग्राम, जनजाति समूह, कस्बा, नगर, राष्ट्र आदि को आदि समुदाय के उदाहरण हैं। इनमें समुदाय के प्रमुख आधारों और अनेक विशेषताएं मौजूद हैं। इनके अतिरिक्त कुछ समूह अर्थात संगठन ऐसे हैं जिनके संबंधों में भ्रम पाया जाता है, ये समुदाय हैं अर्थात नहीं हैं। इसका कारण यह है कि इनमें मनुष्यों की कुछ विशेषताएं तो पाई जाती हैं और कुछ नहीं। ऐसे समूह जिनके समुदाय होने के संबंध में कुछ भ्रम हैं परंतु इनमें समुदाय की कुछ विशेषताएं मौजूद हैं, सीमावर्ती समुदाय के अंतर्गत आते हैं। यहाँ ऐसे समुदाय के कुछ उदाहरण हम उन पर विचार करेंगे। नंबर एक, ग्रामीण समुदाय। नंबर दो, शहरी समुदाय। नंबर तीन, जाति व्यवस्था। नंबर चार, बंदी गृह। अलग अलग अपने इनसे विस्तार से चर्चा करेंगे। नंबर एक, ग्रामीण समुदाय। गांव जमीन से जुड़ी व्यवस्था है, पारस्परिक अर्थव्यवस्था इसकी विशेषता है। ग्रामीण लोग अपनी समस्याओं को स्वयं हल करना चाहते हैं। ग्रामीण समुदाय के साथ एक विशेष प्रकार की विचारधाराएं, स्थानीय परंपरागत जीवन मूल्यों की बात जुड़ी होती है। जर्मन समाजशास्त्री टाइनीज ने गांव को समुदाय कहकर पुकारा है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री टाइनीज क्या कहते हैं? गांव को समुदाय कहकर पुकारा है। इसी प्रकार सोरोकिन, गांव प्रकृति के निकट होता है। गांव में श्रम विभाग इतना स्पष्ट नहीं होता। गांव में केवल प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं। गांव में धर्म एवं परंपरा की प्रधानता होती है तथा गांव में सक्रियता परिवर्तन कम होते हैं। गांव तालाब के ठहरे हुए पानी के समान होता है। नंबर दो, शहरी समुदाय। शहरी समुदाय गांव जनजाति समाजों में आस पड़ोस का कोई अलग तत्व नहीं है, यहां गांव का हिस्सा ही है। वह शहरों के पड़ोस में व्यक्तियों के समूह बनते हैं तथा उनके बीच घनिष्ठ अंतःक्रिया होती है। वे एक दूसरे के से पड़ोस की भावना एवं उत्तरदायित्व से बंधे होते हैं तथा इनके बीच पारस्परिक सद्भावना विकसित होती है। इन्हें हम सीमित अर्थों में समुदाय कहें क्योंकि इनमें समुदाय के दो आधार, निश्चित स्थान एवं व्यय भावना मौजूद हैं। पड़ोस आकार की दृष्टि से समतः सबसे छोटा क्षेत्र समुदाय होता है। एक छोटे से स्थान पर या बहुत बार किसी बहुत बड़े मकान में अनेक परिवार रहते हैं। इनमें भौतिक निकटता होती है, यह इनकी मजबूरी है क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति स्वतंत्र रूप से बड़े घरों में रहने लायक नहीं होती। पड़ोस के सभी लोग एक दूसरे के साथ निजी जीवन की सभी बातें को जानते हैं। पड़ोस में सामूहिकता होती है, ये छोटे छोटे खुशियों को बांटकर सुख दुख में एक साथ खड़े रहकर सामूहिक प्रदर्शित करते हैं। परंतु हम वास्तविक समुदाय नहीं कहेंगे। इनके संपूर्ण जीवन आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्रिया अड़ोस पड़ोस के बाहर आकर पूरी होती है। नंबर एक। नंबर दो, पड़ोस के सदस्यों के बीच सामान्य जीवन नहीं होता। नंबर तीन, इसमें वैचारिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक भेद प्रत्यक्ष रूप से देखे जा सकते हैं। नंबर चार, वर्तमान समय के शहरों में पड़ोस के लोग एक दूसरे से परिचित भी नहीं होते। लोग पड़ोसी होने का धर्म भले ही कभी निभा लें परंतु पड़ोस के सदस्य आपस में कभी भी नहीं घुल मिल सकते। नंबर दो। नंबर तीन, जाति व्यवस्था। क्या जाति एक समुदाय है? जाति को हम समुदाय के अंतर्गत नहीं रख सकते क्योंकि इसमें समुदाय की कुछ विशेषताओं का अभाव पाया जाता है। नंबर एक, जाति
का कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता। इसमें सामुदायिक भावना सामान्यता का अभाव पाया जाता है। नंबर चार, क्या जेल एक समुदाय है? जेल व्यक्तियों का एक समूह है, साथ ही इसमें एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। जेल में निवास करने वाले लोगों में कुछ मात्रा में सामुदायिक भावनाएं पाई जाती हैं। इन आधारों पर मैकायर पेज ने जेल को समुदाय माना है। मैकायर पेज ऐसे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने जेल को समुदाय माना है, परंतु मैकायर पेज के जेल को समुदाय मानने का मत से पूर्णतः असहमत हैं। जेल में जब समुदाय की अनेक विशेषता नहीं पाई जाती तो इसमें समुदाय कैसे माना जा सकता है? इसे समुदाय नहीं मानने के निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, जेल के कैदियों में हम की भावना का अभाव पाया जाता है। नंबर 2, जेल के सभी लोग सामान्य जीवन में भागीदार नहीं होते। नंबर 3, व्यक्ति के जीवन के सभी पक्ष जेल में अभिव्यक्त प्राप्त नहीं कर सकते। नंबर 4, जेल का सतत विकास नहीं होता। नंबर 5, जेल में समुदाय के समान सामुदायिक स्थायित्वपन का अभाव पाया जाता है। अब अपने बात करेंगे समाज और समुदाय में क्या अंतर है। समुदाय की विवेचना में कुछ बातें ऐसी हैं जिनमें भ्रम पाया जाता है। समुदाय एक आत्मनिर्भर सहित विकसित संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था है, पर बात ऐसी नहीं है। वास्तव यह है कि समुदाय समाज की अनेक संरचनाओं में से एक है। यहाँ दोनों का तुलनात्मक विवेचन करना अत्यंत आवश्यक है ताकि दोनों के बीच समानता और अंतर को स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1, समाज का भौगोलिक क्षेत्र होना आवश्यक नहीं है। परंतु समुदाय का क्षेत्र निश्चित होता है, जिसका आकार सीमित होता है, जैसे ग्रामीण समुदाय। नंबर दो, समाज विविध जीवन प्रणालियों को जोड़ सकता है। परंतु समुदाय में साधारण एक ही किस्म का जीवन पाया जाता है। नंबर 3, समाज एक अमूर्त व्यवस्था है, पर समुदाय एक मूर्त व्यवस्था है। नंबर 4, समाज में संघर्ष, सहयोग, प्रतियोगिता में ये सभी प्रक्रिया काम करती हैं, किंतु समुदाय में सहयोग ही सामुदायिक जीवन की धुरी है, जिसमें समुदाय में ही वह भावना होती है। नंबर 5, समाज एक व्यापक अवधारणा है जिसमें स्थायित्व तक होना जरूरी नहीं, परंतु समुदाय का सीमित दायरा होता है, जिसे समाज की तुलना में स्थायित्व तक काफ़ी अधिक होता है। नंबर 6, समाज का कोई खास नाम नहीं होना जरूरी नहीं है, पर समुदाय का कोई ना कोई नाम से जाना जाता है। नंबर 7, एक भर्त समाज विभिन्न संस्कृतियों का संगम हो सकता है, जबकि एक समुदाय की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है। नंबर 8, समाजिक संबंधों का जाल से बनता है, पर समुदाय विशेष व्यक्तियों के ऐसे समूह से बनता है जो पारस्परिक एवं भय भावना के आधार पर संगठित होता है। नंबर 9, समुदाय में समाज पाया जाता है, पर समाज में समुदाय होना जरूरी नहीं है। समुदाय अपने आप में एक संपूर्ण इकाई है। यहाँ ये अपने समाज और समुदाय में 9 विशेष अंतर बताए हैं। विद्यार्थियों, फर्स्ट ईयर की क्लास के अंदर छोटा क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन आता है, जैसे समाज को परिभाषित करते हुए समाज और समुदाय में अंतर को स्पष्ट कीजिए, यह अधिकतर क्वेश्चन आता है परीक्षा में। यहाँ हम उल्लेख करना आवश्यक है कि उपयुक्त विवरण मैकेयर पेस के समाज संबंधी विचारों पर आधारित हैं। यदि हम जॉनसन के विचारों के आधार माने तो वही कहा जा सकता है समुदाय और समाज के बीच बहुत ही मामूली फर्क है। वृहद अर्थ में समुदाय समाज का एक अंग है, जैसे सिख समुदाय ग्रामीण भारतीय समाज का एकमात्र अंग है। धन्यवाद विद्यार्थी।